हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, एमएस वर्ड की पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन सीखा था, जाना था कि उसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ होती है, किस तरह से इसमें काम किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो मैंने एमएस वर्ड में यूज होने वाले सारे शॉर्टकट कीज और एमएस वर्ड को कई प्रकार से किस तरह ओपन कर सकते हैं इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम रन डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करना है। जैसे ही विंडो आर प्रेस करते हैं, आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको विन वर्ड टाइप करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड टाइप करते हैं और उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस वर्ड ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस और भी बेसिक जानकारियां दी है। आज की इस वीडियो में हम होम टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, होम टैब में टोटल 5 ग्रुप्स एंड ब्लॉक हैं। क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक। और इन सारे ब्लॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन एंड कमांड्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे क्लिपबोर्ड ब्लॉक 4 ऑप्शन एंड कमांड शो कर रहे हैं, पेज, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। बारी बारी से हम इन सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में सीखते हैं। हमारा सबसे पहला ब्लॉक है क्लिपबोर्ड ब्लॉक। इसमें आप सीखेंगे कट ऑप्शन का यूज करना, कॉपी ऑप्शन का यूज करना, पेस्ट ऑप्शन का यूज करना और साथ ही फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन का यूज करना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन में कुछ वर्क करना होगा, कुछ लेटर टाइप करना होगा। इसके लिए हम एमएस वर्ड का ही एक शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम 3 पैराग्राफ इस वर्किंग एरिया में हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो है इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9 और 0, जिससे आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट टाइप हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 पैराग्राफ यहाँ पर टाइप हुए फिल हो गए। ये एमएस वर्ड का ये अपना ही फॉर्मूला है। ये आप किसी भी वर्जन के एमएस वर्ड में टाइप करेंगे इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और आपके सामने इस तरह से 3 पैराग्राफ खुद से लिखे हुए फिल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब अपने क्लिपबोर्ड ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप सीखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना। फ्रेंड्स, कट ऑप्शन का यूज बेसिकली सभी लोग जानते हैं। इस ऑप्शन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ऑन द इंसर्ट टैब, अगर आप इस लेटर को इस जगह से हटाकर दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको इस लेटर को सिलेक्ट करना है और कट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वो लेटर यहाँ से हट गया है। और अगर आप जिस भी जगह पर उस लेटर को वापस से पेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने माउस के कर्सर को वहाँ पर ले जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा माउस का कर्सर यहाँ पर है और उसके बाद सिंपली आप पेस्ट पर क्लिक कर दे और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वो कट किया गया लेटर यहाँ पर फिल हो गया है। फ्रेंड्स, आप कट किए गए या कॉपी किए गए लेटर को जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको पेस्ट पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी बार मैं यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करता हूँ, उतनी बार वो लेटर फिल हो रहा है। इस तरह से आपने सीखा कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज करना। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है कॉपी ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इसके लिए आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक छोटे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है। कॉपी ऑप्शन का यूज बेसिकली हम किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप इस टेक्स्ट को यहाँ पर भी रहना देना चाहते हैं और इसी टेक्स्ट को आप दूसरी जगह भी देखना, तो इसके लिए आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कॉपी पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कॉपी पर क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। अब आपका एक सवाल रहेगा कि ये कॉपी और कट किया गया टेक्स्ट जाता कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक के राइट साइड में राइट कॉर्नर पर क्लिपबोर्ड बटन दिया हुआ है। आप सिंपली इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा कॉपी किया हुआ और कट किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पर शो करता है। इस तरह से आप जान गए कॉपी और कट किया गया टेक्स्ट कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है और आप
इसे जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वहां पर अपने माउस के कर्सर को ले जाना है और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और आप जितने बार इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पेस्ट पर क्लिक करते रहना है। इस तरह से आपने सीखा कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज करना। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है पेस्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन में एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज हम किसी अदर लोकेशन से किसी ऑब्जेक्ट को अपने इस डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको डिस्प्ले एज आइकन एक ऑप्शन शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके इस डॉक्यूमेंट में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकन शो करेगा। अगर आप उस आइकन पर फिर से क्लिक करते हैं तब वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा, और अगर आप चाहते हैं कि जो आप इस डॉक्यूमेंट में वर्क किए हैं डायरेक्ट आपके इस डॉक्यूमेंट में फिल हो जाए तो उसके लिए आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने ये यहाँ पर फिल हो गया है। और अगर आप डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या होता है। इसके लिए सिंपली आपको पहले हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, जो जिसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल जेड। जैसे आप कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो हम डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। इसके लिए सिंपली आपको पेस्ट के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड का आइकन शो कर रहा है। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं हमारा कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा था उसी के ठीक पास में हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का आइकन फिल हो गया है। और अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ इसमें ओपन हो। इसमें आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पर कोई अदर लेटर या सेंटेंस टाइप कर सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर प्रेस करते हैं, और इसे हम सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर ऑफिस बटन पर क्लिक कर देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप जब भी इस आइकन पर डबल क्लिक कीजिएगा तो वो जो आप सेव किए हैं वही ओपन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पर सेव किया वो टेक्स्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरह से आपने सीखा क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज करना। हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है फॉर्मेट पेंटर। फ्रेंड्स, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप फॉन्ट ब्लॉक के बारे में सीख गए होंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट ब्लॉक के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, फॉन्ट ब्लॉक में आपको सबसे पहला ऑप्शन फॉन्ट फैमिली है। इस ऑप्शन के यूज से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना है सिंपली आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फॉन्ट फैमिली के राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने फॉन्ट फैमिली का विंडो ओपन हो गया है। इसमें आपको बहुत सारे फॉन्ट शो करेंगे। आप जिस भी फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं आप यहां से आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन के यूज से आप अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फॉन्ट साइज पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 दिया हुआ है। अगर आप 72 से ज़्यादा और 8 से कम करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर उसे कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का यूज हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करते हैं। बारी बारी से ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे उसी तरह टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इस ऑप्शन का यूज आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सारे शॉर्टकट कीज का वीडियो में मैंने इन सारे ऑप्शन का शॉर्टकट की बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। इस ऑप्शन का यूज हम अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया
और बोल्ड पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट हल्का सा इसका विड्थ मोटा हो गया है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। इस ऑप्शन के यूज से आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा कर्सिव जैसा चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इटैलिक पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट हल्का टेढ़ा हो गया है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। इस ऑप्शन के यूज से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और अंडरलाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग गया है। अंडरलाइन ऑप्शन के राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन में आपको अंडरलाइन का बहुत सारा डिजाइन शो करेगा। आप इस ऑप्शन से अपने अंडरलाइन के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और अंडरलाइन के कलर को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्ट्राइक थ्रू। इस ऑप्शन की यूज से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और स्ट्राइक थ्रू पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो गया है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का यूज बेसिकली हम केमिस्ट्री के फॉर्मूला वगैरह बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ CH4 और आप इस 4 को नीचे लाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको 4 को सिलेक्ट करना है और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 एच के बेस में शो कर रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का यूज हम मैथ के फॉर्मूला बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ a+b2। अगर आप a+b2 क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको 2 को सिलेक्ट करना है और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा a+b2 के जैसा फॉर्मूला क्रिएट हो। हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है चेंज केस, इसके बारे में सीखते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद या टेक्स्ट को लिखने के पहले उसके केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज केस के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये 5 केस शो करेंगे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। इन सारे ऑप्शन के यूज करने के लिए आपको जिस भी वर्ड, लेटर या सेंटेंस को उस केस में चेंज करना है इसके लिए आपको सबसे पहले उस वर्ड, लेटर या सेंटेंस को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इस लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस केस पर क्लिक करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि ये सेंटेंस केस में ही पहले से लिखा हुआ है। अब हम इसे लोअर केस में चेंज करके देखते हैं। जैसे ही लोअर केस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारा सारा वर्ड स्मॉल हो गया है। इसी तरह अगर आप इसे सिलेक्ट कर अपर केस करते हैं तो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट सारा अपर केस में हो जाएगा, यानी सारा कैपिटल वर्ड हो जाएगा। इसी तरह आप कैपिटलाइज इच वर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी लेटर स्मॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप टॉगल केस, इसी के ठीक उल्टा है, फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी के लेटर कैपिटल हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे सेंटेंस केस पे चेंज कर देते हैं। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेक्स्ट हाईलाइटर, इसका यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन का यूज बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड, लेटर या सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट हाईलाइटर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप बहुत सारे कलर में उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट हाईलाइटर कलर का यूज कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन फॉन्ट कलर का यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन के यूज से हम अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट का कलर अभी ब्लैक है। अगर आप इसे चेंज कर दूसरे कलर में देखना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें और आसानी से उसे दूसरे कलर में चेंज कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्लियर फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में जितना भी फॉर्मेटिंग किए होंगे आप उसे एक बार में रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ और एडिटिंग कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार में मैंने जितने भी सारे एडिटिंग किए हो और सारा क्लियर हो जाए तो इसके लिए आपको सिंपली
टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट को, जिस भी टेक्स्ट को आप एडिटिंग रिमूव करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सारा फॉर्मेटिंग क्या हुआ, क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्लिपबोर्ड ब्लॉक में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करना। फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखते हैं। इस ऑप्शन के यूज से आप किसी एक लेटर या एक सेंटेंस पर फॉर्मेट किए गए सारे फॉर्मेटिंग को, अगर आप दूसरे टेक्स्ट पर वही फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसके साइज को चेंज कर दिया, इसके फॉन्ट को चेंज कर दिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसे हाईलाइट कर देते हैं और टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मेट पेंटर का यूज हम तब करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में बहुत सारे एडिटिंग कर लिए और मुझे याद नहीं है, और इसी की तरह सेम मुझे एडिट इस सारे सेंटेंस में भी करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको फॉर्मेटिंग किए गए सेंटेंस, लेटर या वर्ड को किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे माउस के कर्सर ब्रश में चेंज हो गया है और आप अब जिस भी सेंटेंस, लेटर या वर्ड को इस फॉन्ट में इस टेक्स्ट के जैसा एडिटिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उसे आसानी से सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट सेम इसी की तरह फॉर्मेटिंग हो गया है। इस तरह से आपने सीखा क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इस वीडियो को लाइक करें और MS Word के शॉर्टकट कीज को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर अभी जाएं और उस वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।